अंजोरा चौकी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी जीप की बलि दे डाली और जाप करने लगा। पूरे छत्तीसगढ़ में मूर्तियां बनाने मशहूर ग्राम थनौद में आज सुबह एक युवक ने अपनी जीप काट कर पत्थर पर रखकर कुछ तंत्र मंत्र करने लगा। उसे देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक का नाम राजेश्वर निषाद बताया जा रहा है, जो कि ग्राम थनौद का रहने वाला है। ध्रुव के ग्राम थनौद में बुधवार को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां गांव का एक युवक राजेश्वर निषाद थनौद के तालाब किनारे बैठकर भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए अपनी जीप को काट डाला। इस घटना को देखकर गांव वालों ने आनन फानन में अंजोरा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची अंजोरा पुलिस ने 112 पुलिस की मदद से 108 के द्वारा घायल युवक को इलाज के लिए दुर्ग के जिला अस्पताल में पहुँचाया। इस घटना के बारे में उसके छोटे भाई से जब पूछा गया तो वो भी इस घटना से अनजान रहा। उसका कहना था कि हर रोज़ ये नहाने के लिए तालाब आया करता था, मगर आज ये चाकू से अपनी जीप काट डाला, जिसका कारण कुछ नहीं बताता। बहरहाल अभी पीड़ित युवक दुर्ग के जिला अस्पताल में इलाज करवा रहा है। दुर्ग पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर वो तो वो सुबह नहाने जाता है 5 बजे, सुबह नहाने एक दौरान में सब कर लिया, अपने से काट लिया वो, गांव वाले सब देखे ना, जब बहुत समय से बैठा था वहीं पे जाके काट के, तो सब देखा कितना टाइम हो गया बैठे ऐसे करके, तब वो पता चला कि इतना जीप काट के बैठा हुआ है ऐसे करके। किससे काटा? जीप चाकू से काटा है सर, उतना मालूम नहीं है। गांव वाला पूरा इकट्ठा हुआ है, कौन फोन किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे को पता नहीं उतना। मैं डिक्टिव था, मैं तो 8 बजे के लिए आया वहाँ से। क्या लगते हैं आपको? ये मेरा मंझला भाई है, बड़ा भाई। आपको कैसे देगा? मेरा नाम जगेश्वर निषाद है, जगेश्वर निषाद, और इसका राजेश्वर निषाद है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।